गाइस वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मैं रिसेंटली जब भी बच्चों को पूछ रही हूँ बेटा पढ़ाई शुरू कर दी क्या, तो मुझे कुछ कॉमन आंसर्स मिल रहे हैं। जैसे कि एक आंसर ऐसा है कि मैम पढ़ाई तो करनी है पर पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर। फिर उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम वेदर तो देखो कैसा वेदर हुआ है, ऐसा बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है बस अपने ब्लैंकेट में बैठे रहो, चिल करो, रिलैक्स करो। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मैम अभी तो रिजल्ट आया था, वो फेलियर इतना हॉन्ट कर रहा है कि अभी तक पढ़ाई करने का मन नहीं करता। गाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस मैं एक बात बताती हूँ, जो अपकमिंग वन मंथ है, अपकमिंग वन मंथ अप टू 31st of August का जो टाइम है अपने पास, दिस इज अ गोल्डन टाइम। ये वाला जो टाइम है यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई लास्ट मोमेंट रश नहीं है। तो अगर नेक्स्ट 30 days अपन ने कैपिटलाइज कर लिए ना, यू आर गोइंग टू बी ऑलरेडी अहेड ऑफ द 90% ऑफ द ऑडियंस। तो ये 30 days को प्रॉपरली कैपिटलाइज करना है। अपन क्या कर रहे हैं डेली बेसिस, बस टारगेट सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं। बट आई फर्मली बिलीव गोल सेटिंग इज नॉट इनफ। यू कांट सेट गोल्स इफ यू डोंट हैव प्रॉपर हैबिट्स फॉर इट। तो नेक्स्ट 21 days का मैं चैलेंज लेके आई हूँ आपके लिए, जहां पे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर हैबिट्स। बिकॉज गोल्स तो जस्ट 1% ऑफ द स्टोरी है, 99% ऑफ द स्टोरी इज रिगार्डिंग द हैबिट्स। बिकॉज अपन प्लान्स तो सब लोग ही सेट करते हैं बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। बस मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ नेक्स्ट 21 days के लिए ट्राई करके देखो, एंड आपको एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज ही नहीं होगा, अच्छा मैंने 10 घंटे की पढ़ाई भी कर ली, अच्छा मैं तो इतना फ्रेश हूँ, मैं इतना सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, एंड मेरे टारगेट्स भी अचीव हो गए, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग गुडी गुड होने वाला है आपके केस में। तो बस मैं जो भी बोल रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 21 days अप्लाई करके देखना है। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस 21-day चैलेंज, कॉमेंट, सब बच्चों को कॉमेंट करना है इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस 21-day चैलेंज एंड द बीस्ट मोड इज ऑन। एंड 21 days के बाद इस कॉमेंट पे रिप्लाई करना है कि दीज 21 days में मैंने 50-60-70% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। दैट्स गोइंग टू जस्ट, मैं आपको बोल रही हूँ वो जो पास आने वाला है ना मार्कशीट पे, 80% कहानी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी अगर ये 21 days में आपने, मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो। तो कॉमेंट करना मत भूलना। एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज गाइज आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी टिप्स देने के लिए, ICI अपडेट्स देने के लिए, टू बूस्ट यू, टू पंप यू, टू गिव यू द स्टडी प्लान, टू गिव यू द स्ट्रेटजी, इस चैनल पे सब कुछ मिलता है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस 5-point हैबिट रूल जो आपको नेक्स्ट 21 days के लिए अप्लाई करना है। नंबर 1 step इज फिक्स द प्रॉपर वेकअप एंड स्लीप टाइमिंग्स फॉर यू। क्या होता है ना गाइस, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका आधा टाइम यहां पे जाता है, विच आई हैव फिगर्ड आउट एटलीस्ट, कि यार मम्मी पापा ने बोल दिया है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना है, 4-5 बजे उठ के पढ़ाई करना है। तो मैं ना मैम रोज 4 बजे का अलार्म सेट करती हूँ, वो 4 बजे का अलार्म कब 8 बजे मेरी नींद खुलती है समझ में नहीं आता, स्नूज पे स्नूज मैं बस दबाती रहती हूँ। एंड 8 बजे रियलाइज होता है ओ शिट सुबह का तो टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, तो उसके गिल्ट में आधा दिन तो ऐसा ही चला जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आते आते कुछ 1-3 घंटे की पढ़ाई होती है मैक्सिमम। एंड दूसरे लोग ऐसे कि मैम मेरे सब फ्रेंड्स रात को पढ़ाई करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी रात को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मैं रात को जब भी बुक लेके बैठती हूँ मुझे तो बस नींद आती है। सो डोंट गो बाय एनी पॉपुलर ओपिनियन। नंबर 1 चीज जो आपको शुरू करना है अभी, फिक्स द प्रॉपर स्लीप एंड वेकअप टाइमिंग्स फॉर यू। सबका टाइमिंग अलग होता है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कब ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। मैं तो सुबह 3 बजे उठती थी लेकिन मेरे फ्रेंड्स 3 बजे सोते थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं रात को पढ़ाई कर सकती हूँ या सुबह पढ़ाई कर सकती हूँ, और उस हिसाब से टाइम फिक्स कर लो। एंड अगर आप दोनों जगह नहीं हो कि सुबह भी नहीं उठ सकते रात को भी नहीं पढ़ सकते, तो सिंपल रखो रात को 12 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठना है। 90% लोग आप ये हैबिट फॉलो कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस, रात को 12 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठना। ओके, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग, फिक्स द स्लीप एंड वेकअप टाइमिंग्स फॉर यू। सेकेंड चीज, अभी क्या है ना मैम एग्जाम को तो बहुत टाइम है, कौन पढ़ाई करेगा, इतने 3-4-5 घंटे का शेड्यूल सेट करती हूँ लेकिन 1 भी घंटे की पढ़ाई नहीं होती है। तो अपन ना वैसा रिस्क लेने ही नहीं वाले आपके केस में कि 4-5 घंटे का रूटीन सेट करेंगे। सिंपल एक बात बताओ, 1 घंटा, 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, सिंपल रखते हैं।
एक घंटा जब सामने दिखता है ना, आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होके पढ़ाई करते हो, यार एक ही घंटा पढ़ाई करना है। अब खुद आज से ये शुरू करके देखो कि एक घंटा पढ़ाई करना है, एक घंटे का ब्रेक लेना है। सुबह 7 बजे पढ़ाई को बेडरूम, 7 to 8 की पढ़ाई 8 to 9 का ब्रेक, 9 to 10 की पढ़ाई 10 to 11 का ब्रेक, 11 to 12 की पढ़ाई 12 to 1 का ब्रेक, 1 to 2 की पढ़ाई 2 to 3 का ब्रेक, 3 to 4 की पढ़ाई 4 to 5 का ब्रेक, 5 to 6 की पढ़ाई 6 to 7 का ब्रेक, 7 to 8 की पढ़ाई 8 to 9 का ब्रेक, 9 to 10 की पढ़ाई 10 to 11 का ब्रेक, एंड 11 to 12 की पढ़ाई रात में। अप्रोक्सीमेटली 9 hours हुए हैं, आप इसको कैसे तो करके 10 hours तो आसानी से कर सकते हो। सोचो इतने सारे ब्रेक्स लेके, अब जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतना ही ब्रेक ले रहे हो, रात को प्रॉपर 7 hours ऑफ स्लीप हो रही है, स्टिल अब दिन भर में 10 घंटे का पढ़ाई का आउटपुट निकाल पा रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मैम 10 घंटे पढ़ाई करनी एक साथ, 5 घंटे पढ़ाई करनी एक साथ, सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो ये 1:1 रेशियो अप्लाई करना शुरू करते हैं, दिस इज गोइंग टू वर्क स्ट्रेट ऑन योर माइंडसेट, यू विल बी बूस्टेड एंड चार्ज्ड अप टू स्टडी। तो दिस इज सेकंड हैबिट विच वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। थर्ड हैबिट, रोज रात को सी 8 hours ऑफ पढ़ाई कर ली अपने, 1 घंटा रिविजन को देना है कि आज दिन भर में मैंने जो भी पढ़ाई की थी उसको क्विकली रिविजन कर लूं। इससे क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि बस आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का जो ऐसा नहीं कि वॉश ऑफ होते जाएगा, यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन थ्रू आउट द डे। एंड 1 घंटा कंपलसरी टेस्ट के लिए रिजर्व रखो। काफी बार ना अपन खुद को कंसोल करते हैं, हाँ मेरा हो गया, दिस इज डन, बस टिक मार्क करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसका टेस्ट देते हो तब समझ में आता है कि मैंने सही परफॉर्म किया है या गलत परफॉर्म किया है। जैसे गाइज मेरी अभी टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट मुझे खुद मैसेज करते हैं कि यार मैम ये टेस्ट देने के बाद रियलाइज हुआ कि यार मुझे सिर्फ लग रहा था कि मेरी पढ़ाई हो गई है बट एक्चुअल पढ़ाई नहीं हुई है। तो अमेजिंग बेनिफिट्स है टेस्ट सीरीज के। पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलता है आपको, जहां पे आपके सब क्वेश्चन पेपर, सब सजेस्टेड आंसर, सब आंसर शीट एक ही जगह पे स्टोर्ड रहते हैं, सो दैट फ्यूचर में जाके इफ यू वांट टू लुक बैक कि मैंने कौन से पेपर में क्या गलती की थी, आपको एक ही जगह पे सब कुछ स्टोर्ड मिलता है। जैसे आप आपके एडमिन पैनल पे लॉग इन करते हो, आपको एक प्रोग्रेस बार दिखता है जिसमें आपको समझ में आता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पढ़ाई मैंने की है, कितनी परसेंटेज ऑफ टेस्ट मैंने दिए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट मेरे देने बचे हैं, सो दैट हेल्प्स यू। थर्डली हम आपके हर पेपर को रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर्स में फ्लैग कर रहे हैं। रेड और ऑरेंज स्टैंड्स फॉर अंडर परफॉर्म पेपर्स, तो आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक एरिया है। असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं हम आपको हर पेपर के लिए, जहां पे आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, रेटिंग्स देते हैं बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स, बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंटेशन, बेस्ड अपॉन योर लैंग्वेज, सो दैट आपको एक्चुअल समझ में आए कि मुझे कौन सी चीज पे और काम करना जरूरी है। तो मैंने स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट को क्यूरेट किया है। आपको 2 से 3 दिन में पेपर चेक करके मिल जाता है, ICI लेवल के पेपर सेट किए गए हैं और चेक किए जाते हैं यहाँ पे, एंड एक शेड्यूल बनाया है मैंने टेस्ट सीरीज का, वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, आप आपके हिसाब से भी टेस्ट दे सकते हो। एंड एक नया फीचर इस बार लॉन्च किया है, लीडर बोर्ड फीचर, दिस इज गोइंग टू मोटिवेट यू टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट एंड सो दैट यू कैन फॉल इन द टॉप 3 रैंक्स ऑफ दैट लीडर बोर्ड, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, सो विन विन सिचुएशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। रेगुलर बेसिस पे रोज रात को 1 घंटा टेस्ट देना ही देना है, सो दैट्स द हैबिट विच वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। थर्ड हैबिट, नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, कि जब भी वो 1 घंटे की पढ़ाई है अपनी, वो 1 घंटे की पढ़ाई के टाइम एक पॉलिसी अपनाना है, नो फोन पॉलिसी। जहां पे भी, जिस भी कमरे में, जिस भी स्टडी रूम में आप बैठे हो, वहां पे आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। वो जो 1 घंटा है ना, वो आपका सुपर प्रोडक्टिव आवर होना चाहिए। फिर वो जो 1 घंटे का ब्रेक है ना, उसमें आप जो करना है करो, लेकिन वो जो 1 घंटे की पढ़ाई है उसमें नो फोन पॉलिसी अडॉप्ट करना है। नंबर 4 रूल, अभी गाइज क्या हो रहा है ना, व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इज एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, फिर पढ़ाई नहीं होती। आई अंडरस्टैंड द मॉनसून वेदर इज किकिंग इन एंड वो स्लगिश फील होता है। स्टार्ट डूइंग 1 थिंग, कीप इट मूविंग, घूम घूम के पढ़ाई करना शुरू करो, वॉक अराउंड। जैसे मैं मेरे मेंटोरशिप कॉल्स, काउंसलिंग कॉल्स घूम घूम के लेती हूँ, अगर मैं बैठ गई ना एक जगह पे तो फिर मुझे भी लेजी फील होता है। तो यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस, जस्ट कीप ऑन मूविंग। इससे क्या होता है, वो जो स्लगिश और लेजी हॉर्मोन्स है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दैट इज द हैबिट वी हैव टू स्टार्ट अडॉप्टिंग। एक एक हैबिट आप फॉलो करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे इतना सारा सिलेबस हो गया, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जैसे स्लीप टाइम, वेकअप टाइम फिक्स कर लिया, आधा वेस्टेज ऑफ टाइम वहां कम हो गया। 1 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक, रोज रात को रिविजन, रोज रात को पेपर सॉल्विंग। नेक्स्टली आपने प्रॉपर नो फोन पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर लिया, तो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी पढ़ाई होगी। एंड द लास्ट थिंग इज, वो जो ब्रेक्स है, वो जो ब्रेक्स है उसमें मिनिमम स्क्रीन टाइम रखना है। अपना काउंटडाउन सेट करो, 10 मिनट्स ऑफ फोन में यूज करोगी
बचा हुआ टाइम नो स्क्रीन, जैसे कि कभी एक्सरसाइज करो, कभी मेडिटेट करो, कभी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो, कभी बाहर जाके वॉक करके आओ, एवरीथिंग, बट स्क्रीन का यूसेज द मिनिमम. क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज जितना स्क्रीन का यूसेज होता है उतनी अपनी आंखें थक जाती है एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है. तो स्क्रीन का यूसेज मिनिमम. सी, मैं तो फोन स्विच ऑफ करने ही बोलती हूँ, बट मुझे पता है प्रैक्टिकली आपसे पॉसिबल नहीं है ये बात. तो 10 मिनट वो जो ब्रेक है उसमें 10 मिनट का ही स्क्रीन टाइम है, बचा हुआ आपको जो भी एक्स्ट्रा दूसरा करना है दैट यू हैव टू डू. ऑल्सो एक चीज गाइज, जो ब्रेक है ना, जैसे कि मैंने एक घंटे का ब्रेक लेने बोला है आपको, वो ब्रेक का अलार्म सेट करके रखो. जैसे अगर मुझे सुबह 9 बजे पढ़ाई को बैठना है या ब्रेक के बाद 9 बजे का रिमाइंडर लगाओ कि हाँ मुझे 9 बजे पढ़ाई को बैठना है, तो मैम मेरा ब्रेक टाइम ही स्ट्रेच हो जाता है. रिमाइंडर लगा के जाओ ब्रेक पे, एंड देन वो अलार्म जैसे ही बच जाएगा, ये स्ट्रिक्टली अपनाना है कि मुझे वो एक घंटा वापस आके पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 रूल्स, ये 5 हैबिट्स आप अप्लाई करके देखो फॉर द नेक्स्ट 21 डेज. आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग डन विथ एटलीस्ट 70-80% ऑफ द सिलेबस. सो चैलेंज अगर ऑप्ट करते हो आप, चैलेंज अगर लेने वाले हो, इफ यू आर रेडी टू टेक अप दिस चैलेंज, आई टोल्ड यू, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड यस, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे. जस्ट लेट्स मेक श्योर एवरी सिंगल डे काउंट होगा, एवरी सिंगल सेकेंड अपन अभी से यूटिलाइज करने वाले. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. दिस इज मी साइनिंग आउट. टाटा.